नो हिंसा के लिए क्या मोनू मानेसर जिम्मेदार है? नो हिंसा में पिछले तीन दिन से मोनू मानेसर के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। कहा जा रहा है कि पहले मोनू मानेसर ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पोस्ट डाला, पोस्ट की वजह से हिंसा फैली। सच क्या है, खुद मोनू मानेसर से जानेंगे। मोनू मानेसर से बात की इंडिया टीवी संवाददाता सुनील कुमार ने। मोनू, सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि मेवात में नूह में जो हिंसा हुई है, वो क्या आपकी जो वीडियो आपने डाला कि आप मेवात जा रहे हैं उसके बाद हिंसा हुई है? क्योंकि अब सवाल हर जगह यही उठाए जा रहे हैं कि जो आपने वीडियो डाला है वही मुख्य वजह है मेवात की हिंसा। क्या कहना है आपका इस पर? जय गौ माता, जय श्री राम। क्योंकि हमारी शुरुआत ही जय श्री राम और जय गौ माता के नाम से होती है। सबसे पहले तो मैं न्यूज पे बताना चाहता हूँ कि हमारा उस वीडियो में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे हम वीडियो में दोषी पाए जाए या वीडियो में मैंने कोई भड़काऊ कही हो या किसी जाति विशेष या किसी समुदाय के बारे में कहा हो। मैंने कोई भी जाति विशेष या समुदाय के बारे में नहीं कहा और मेरा उनसे मतलब ऐसा कोई भाव भी नहीं है। और रही बात उसकी, हमारी शोभा यात्रा थी उसमें मैं मौजूद ही नहीं था किसी कारणवश, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने मना कर दिया था कि आप मत जाइए, तो मैं नहीं गया। फिर भी उन्होंने शोभा यात्रा पर प्रताव इतना भयंकर पथराव किया। दूसरी बात, हमारे दो होमगार्ड शहीद हो गए, हमारे बजरंग दल के साथी शहीद हो गए, पुलिस कर्मियों को गोली मारी गई है। एक एफआईआर में न्यूज पे देख रहा था, एफआईआर में लिखा गया है कि एक 800-900 लोगों की भीड़ पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर और अवैध हथियार लेकर और कैसे पुलिस पे फायरिंग की है। उनका मतलब चलो कोई बात है, उनकी लड़ाई मोनू मानेसर से हो सकती है, पुलिस के साथ तो नहीं। हमारे पुलिसकर्मी घायल कर दिए, इतने पुलिसकर्मी घायल करे हैं जो हमारे समाज और देश की रक्षा करते हैं, वो भी घायल कर दिए, उनको गोलियां मारी गई है। तो ये तो मैं समझता नहीं कि सारा मोनू मानेसर की वजह से हुआ है या मेरी कोई वीडियो की वजह से हुआ है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आपने इस शोभा यात्रा से पहले हिंदुओं से आह्वान किया कि मेवात के जो प्राचीन काल मंदिर है उनमें लोग आए और इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले, आपने ये वीडियो क्यों डाला और आपने ये कहा कि आप इस वीडियो इस यात्रा में शामिल होंगे, तो फिर आप यात्रा में आए क्यों नहीं? मैंने बताया ना, मैं किसी कारणवश नहीं आया। मेरे को मतलब एक तरह से अपने मेरे अधिकारियों ने रोक दिया था। और दूसरा, मेरी वीडियो से कुछ मतलब ऐसा, कोई भी वीडियो आपने भी देखी होगी, मतलब जितने भी दर्शक है सभी ने देखी होगी, हमारे गुड़गांव वासियों ने जो भी इस वीडियो को देखेगा वो सबने देखी होगी। मैंने कोई भी वीडियो में भड़काऊ बयान या कोई भी किसी जाति विशेष समुदाय के बारे में नहीं कहा। मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि हमारे मंदिरों में आओ, जल अभिषेक करो, और इसको तो मैं दोष नहीं पाता कि मतलब हमारे मंदिरों में आना गुनाह हो गया। तो मोनू, जिस तरह से आप पर आरोप है, मुख्य आरोपी जुनैद और नासिर की हत्या में आपको बनाया गया था, इतने महीनों से आप फरार चल रहे हैं, पुलिस आप तक पहुंच नहीं पाई है, आखिर क्या लगता है आपको कि क्यों आप एक, जब शुरुआत में जब आपके ऊपर ये आरोप लगा हत्या का जुनैद और नासिर का, तो आपने कहा था कि आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे, लेकिन इतने दिनों से फिर फरार क्यों है? मैं बताना चाहता हूँ, फरार वरार कुछ नहीं हूँ मैं। एक वो बताओ, जब पुलिस इन अपनी जांच कर रही है, उस जांच में मैं पाया ही नहीं गया हूँ अब तक। जो भी मैंने चार्जशीट भी देखी है उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो ये बेफालतू की बातें हैं कि जुनैद नासिर में मास्टरमाइंड फलाना ढिकड़ा फला फला। मैं तो गुरुग्राम में एक होटल में था उस दिन और होटल में मौजूद था, होटल में ही सारे था, मतलब मैंने वीडियो भी जारी किए, ट्विटर पे भी, आपके न्यूज पे भी, सभी न्यूजों पे मेरी वीडियो चली। एक आदमी मोनू, ऐसा तो है नहीं कि मोनू के दो रूप है, एक मोनू यहाँ और एक मोनू वहां और राजस्थान में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं गुरुग्राम में मौजूद था, उस मामले से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जो भी कह रहा है गलत कह रहा है। तो क्या वजह है कि आपको पूरा मेवात दोषी मानता है जुनैद और नासिर की हत्या का? दोषी क्यों नहीं मानेगा? मैंने उनके करीब हजारों तस्कर, गो तस्कर जो पकड़कर पुलिस के सहयोग से अंदर दिलाए हैं, गो तस्करी रोकी है, और मतलब इतना ज्यादा, जहां से ये गुरुग्राम में कितनी वीडियो आती है जो हथियार लगाकर ये गायों को उठा ले जाते हैं, गायों को गाड़ियों के आगे फेंक जाते हैं, किसी के घर में बढ़कर भैंसे और गायों को खोल ले जाते, तो उनका मैंने नेटवर्क बिल्कुल गायों की तरफ से मैंने ध्वस्त कर दिया। और पुलिस ने अभी इतना बड़ा साइबर क्राइम का जो पूरे देश ने देखा, इतनी बड़ी रेड जो हमारी हरियाणा पुलिस ने मारी है, हरियाणा सरकार के द्वारा या हरियाणा पुलिस के द्वारा जितनी बड़ी रेड मारी गई है, उसमें इन दोषियों को पकड़ा गया, कमर तोड़ दी गई, साइबर हब की बिल्कुल तोड़ दी गई। क्यों साइबर हब को क्यों निशाना बनाया गया थाने को? क्योंकि उनको जलन थी, जैसी मोनू मानेसर से जलन है वैसी उस थाने से थी, क्योंकि उनका नेटवर्क वैसे ही ध्वस्त किया जैसे मैंने गायों के लिए किया है, वैसे ही उनको नेटवर्क वहां पे उन्होंने ध्वस्त किया पुलिस ने।
मनु इतने दिनों से आप पुलिस के पास गए नहीं है, किसी ने आपको फिजिकली देखा नहीं है। जब से जुनैद और नासिर की हत्या में आपका नाम आया है, तो ऐसे में अभी भी लोग ये मानते हैं मेवात के कि नासिर और जुनैद की हत्या मोनू मानेसर ने ही की है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि सिर्फ मोनू मानेसर के नाम पर ही जोर दिया जा रहा है और उसी नाम को लेकर मेवात में इतने बड़े दंगे हो गए कि आज पिछले 2 दिनों से मेवात में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज शाम को ही मेवात में ये ऐलान कर दिया गया है कि अगले 5 अगस्त रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो सिर्फ मोनू मानेसर ही क्यों, जब मेवात के लोग अगर इतना विश्वास से कह रहे हैं तो उन्होंने किसी ने तो देखा ही होगा, इसीलिए तो मोनू का नाम लिया जा रहा होगा। किसी ने नहीं देखा, एक नाम देखा है उन्होंने सिर्फ मोनू मानेसर। सोशल मीडिया पे, मीडिया पे और नेशनल न्यूज में एक नाम देख लिया उन्होंने, मोनू मानेसर। उन्हीं के लिए वो ही हो गया, वो ही दोषी हो गया, वो ही आतंकवादी हो गया, वो ही मोस्ट वांटेड हो गया, सिर्फ मोनू मानेसर। उनको ये नहीं पता गाय काट रहे हो, गाय काटनी बंद कर दो। हमारी टीम रात को जग जग कर मतलब पहरा दे देकर गायों को बचाती है। वो गलत कोई किया है किसी ने? अपने सनातन धर्म और अपने धर्म के लिए जो हमारी आराध्य गौ माता है उनको बचाना गुनाह कोई है? और जो गुनाह वो लोग मान रहे तो वैसा गुनाह हम बार बार करेंगे, अपने सनातन धर्म और अपनी गौ माता को बचाना। लेकिन मैं एक विनम्र पुलिस प्रशासन और दोनों सरकारों से करना चाहता हूँ कि जो सही है वो सही करे, गलत ना करे। जो भी अबे मतलब लग रहे हैं, मैंने कई न्यूज में देखा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई सी भी पार्टी का हो कोई भी हो, वो मतलब अपने धर्म के लिए तो करे, अपने धर्म के लिए सही करे। गलत नहीं कह रहा मैं, गलत हूं तो मैं मत करो गलत, लेकिन सही तो करो। सनातन धर्म में जन्म लिया है तो ये ऐसे कोई है कि मोनू मानेसर ने करा, कई कई पार्टियां हैं, कई वो है। मैं किसी व्यक्ति, क्योंकि मैं पार्टी के विशेष से कोई जानकारी नहीं, मैं संगठन से हूँ और संगठन मेरा सर्वप्रिय है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद से मैं ताल्लुक रखता हूँ, ना कोई सी मतलब ऐसे लोगों से नहीं रखता जो अपने धर्म के खिलाफ जाए। अच्छा मनु, आप भले ही कहीं भी हो, किसी को नहीं पता आप कहाँ पर हैं, लेकिन आपके मेवात में कुछ मुखबिर भी होंगे, आपके कुछ जानकार भी होंगे, आपने उन पर उनसे हो सकता है फोन पर बात भी की हो। तो क्या लग रहा है आपको कि मेवात की जो यह हिंसा है ये सुनियोजित तरीके से हुई है, क्या किसी की भी प्री प्लान की हुई है? मोनू का दिमाग क्या कह रहा है? प्री प्लान ही हुई है जी, कभी भी ऐसी घटना एक तरह से नहीं होती। चलो मोनू मानेसर वहां जा रहा है तो 100 बंदे आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, एक तरह से 2-2 हजार की भीड़ एकदम आ रही है। पुलिस की FIR में लिखा गया है हथियार लेके आ रहे हैं, बम लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं, कट्टा फट्टा जो भी अवैध हथियार सब लेके आ रहे हैं, पुलिस पे सीधा फायर कर रहे हैं। बताओ, हमारे जो पुलिस से ही नहीं डर रहे वो आदमी क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अच्छा, शोभा यात्रा के बाद जो ये हंगामा हुआ, शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद इतनी हिंसा हुई मेवात में, ये कहा जा रहा है कुछ फोटोज आपके जिसमें गले में आपने माला डाली हुई है, किसी गाड़ी में आप सफर कर रहे हो, शायद सनरूफ से बाहर निकलकर वो फोटो ली गई है। तो मेवात के कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो फोटो डालकर कहा गया कि मोनू मानेसर मेवात आ गया, क्या आप गए? मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी वो वीडियो यहाँ की नहीं है, वो कार्यक्रम पढ़ेणी के युवाओं के द्वारा किया गया था और वो तावड़ू की वीडियो है वो, और वो 2022 की वीडियो है वो, अब की वीडियो नहीं है। बस एक तरह से जो मेवात के कुछ छोटे फेसबुक के छोटे यूट्यूबर पत्रकार बन रहे हैं, जिनको वो सटार बन रहे हैं मेवातियों के, फरदास्त किया। मैं तो सरकार प्रशासन ने ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि उनको बैन किया जाना चाहिए, मोनू गलत मोनू को भी बैन कर दिए। कोई मैं गलत चीज करता था, मैंने गाय बचाई सिर्फ अपने, मैंने तो कदम या किसी धर्म के मजहब के खिलाफ ही नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। कोई भी मेरी पोस्ट उठा के देख ले, कोई भी एक भी पोस्ट पीछे तक की हो तो मैं जिम्मेवार हूं, मैंने किसी के खिलाफ लिखा हो तो। हाँ, ये सत्य है कि मैं अपनी गौ माता को बचाता हूँ, अपने धर्म को बचाता हूँ और बचाता रहूंगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं। तो मोनू, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप पर अब अटैक किया जा रहा है, हालांकि आपने जैसा कहा आप फिजिकली रूप से शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए मेवात में नहीं गए, लेकिन उसके बाद अब आपको इस पूरी हिंसा का दोषी बताया जा रहा है मेवात के जरिए, जैसे बिना इन्वेस्टिगेशन के मेवात के लोग आप पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, आपको मास्टरमाइंड बता रहे हैं, उसी तरह अब मेवात में जो हिंसा हुई है उसका मास्टरमाइंड और उसकी असली वजह भी मोनू मानेसर को बताया जा रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर, मीडिया में बयान देकर वहां के नेता, वहां के लोग जिस तरह से मोनू मानेसर को विलन साबित करने पर तुले हुए हैं, क्या पहले भी आप पर, आप इतने सालों से गोरक्षा करते आए हैं, गोरक्षक दल में रहे हैं, बजरंग दल में रहे हैं, तो क्या पहले भी आपके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक हुआ है,
गौ तस्करों के द्वारा या ऐसे लोगों के द्वारा जिनका आपने धंधा चौपट कर दिया, इस तरह का गैर कानूनी धंधा? क्यों नहीं हुआ? गुरुग्राम में 2019 में मेरे सीने में गोली मार दी गई थी। मैं मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट था, और एक मामन खान जो विधायक है उसकी मतलब भाषा सो बह ही नहीं देती। उनको ये कहना जरूरी नहीं है किसी मतलब जांच के बगैर। उनका एक नाम आया था, गो तस्करी कराता है, वो इंडिया टीवी पे चला था, जब तो वो कह रहा था कि जांच करनी चाहिए, ऐसे ही नाम नहीं लेना चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जांच करनी चाहिए। वो मामन खान प्याज सी फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जो जुबान पे आया वही भै 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 लग रहा है उसको। मूर्ख को ये नहीं पता। मैं तो मूर्ख ही कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा कि एक लड़ाई मतलब पूरा उसने भड़काया। उससे एक दिन पहले उसकी पोस्ट आई मामन खान की, उसमें लिख रहा है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ हूं, जो होगा हम देखे जाएंगे, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे लड़ाई किसकी? गाय की लड़ाई है। तुम वहां पे गो हत्या करनी बंद कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं अपने घर पे बैठूंगा, मुझे अपने बच्चे प्यारे नहीं है, अपने माँ बाप प्यारे नहीं है, अपने परिवार प्यारा नहीं है, या अपने यार दोस्त प्यारे नहीं है। मैं भी अपने यार दोस्तों में बैठूंगा, अपने परिवार में बैठूंगा। मैं कोई जरूरी है मेरे को फिर वहां पे जाना? गाय काटना बंद कर दे, हम गो रक्षा छोड़ देंगे, कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, एक बात ये भी सामने आ रही है, जैसे अब आपने कहा कि मामन खान का एक वीडियो जो पुराना उनका विधानसभा में दिया गया बयान था, प्याज फोड़ने वाला जो एक बयान था, तो क्या लगता है आपको कि मामन खान की बयान की वजह से, इस तरह के भड़काऊ बयान की वजह से ये सब हुआ है? बिल्कुल मामन खान की वजह से हुआ है। जितनी भी पोस्ट है, आप कितनी पोस्ट, मैंने स्क्रीनशॉट 100 स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। अरे मामन खान जी ने कहा है कोई किसी का कुछ नहीं होगा, तुम प्याज सी फोड़ दो, आ रही है यात्रा, भगवा यात्रा, कर दो काम। मोनू मानेसर आ रहा है, सिलेंडर जो होते हैं गैस सिलेंडर, रोड पे रख के दिखाए जा रहे हैं कि मोनू मानेसर आएगा, इससे उड़ा दिए जाएंगे। बम की फोटो लगाई जा रही है स्टेटस पर कि मोनू मानेसर आएगा, तभा कर देंगे। तो ये कोई शोभ्या कोई है, ये सिर्फ उनके है। उनको ये कहनी चाहिए थी, उनकी एक वीडियो ये होनी थी संसद में या कहां पे, मोनू मानेसर दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल उसको अंदर देना चाहिए। अपने समाज से कहना था कि गो हत्या बंद करो, वो आएंगे नहीं, वो आएंगे फिर हम देखेंगे, गो हत्या नहीं करोगे तो कैसे आएगा कोई, ऐसे कोई किसी को परेशान करेगा तो फिर हम खड़े हैं। फिर अच्छे भी लगते वो विधायक की, हाँ भाई समाज के हित में है, सबके हित में है, मतलब एक मानव धर्म के हित में है। मैं मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो जो कह रहा हूँ अपने सनातन के बारे में कह रहा हूँ। अरे हमारी गौ माता को मत काटो, हमारा मामला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक हैदराबाद के भी नेता है असदुद्दीन, असद नाम भी उसका देखो कैसा है, असदुद्दीन ओवैसी, वो आपसे बड़ा प्यार है उनको आपसे, और मोनू डार्लिंग कह के आपको वो संबोधित करता है। अभी भी जो नुहू में हिंसा हुई है, उनका पहला जो लफ्ज, जब मीडिया ने उनसे बात की तो पहला लफ्ज यही था कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया था। मोनू मानेसर ने वीडियो जारी किया और अब इस हिंसा का असली जो गुनहगार है वो मोनू मानेसर है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं उनको ये कहूंगा, उनकी पार्टी का एक है कोई वहां अब्ताल्लु खान, नर फलाना खान, तो उससे उन्होंने नहीं कहा कि क्यों तू बयानबाजी दे रहा है, उससे भी तो कहनी चाहिए गो हत्या बंद कराए। वो इतना बड़ा पार्टी का नेता है, इतने मुस्लिम लोग उनकी मानते भी, तो सिर्फ वो खड़ा होके बयान दे, मेवात में गाय नहीं कटनी चाहिए, और कोई मोनू मानेसर आता है फिर हम देख लेंगे, ये कहे ना। वो ये कहेगा गाय काटो और फिर मोनू मानेसर आएगा तो हम देख लेंगे। अरे भाई ऐसा तो नहीं होने देंगे, गाय नहीं कटने देंगे भाई हम, वो ऐसी सांसद है तो तू अपने यहाँ है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, गाय नहीं कटने देंगे। हाँ हम एक सांसद होने के नाते, एक मतलब जो पब्लिक का वो है सर्व होने के नाते, उनकी इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, चाहे कोई विधायक हो चाहे कोई सांसद हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि एक तरफा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही राजस्थान की बात, हरियाणा पुलिस की बात, जब कहे जब हम चले जाएंगे कोई आपत्ति नहीं है हम इसमें, क्योंकि एक सच्चाई तो हो। एक झूठ दिखाई जा रही है कि झूठ 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 तो झूठ रहती है, सच्चाई दिखाए। हाँ मैं दोषी पाया जाता हूं तो बिल्कुल अंदर दे दे, जेल है मेरे को, कानून के दायरे में रहकर सजा दी जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक यही बेबालतू की बात कोई है कि मैं कह दूं कि भाई तू डकैत है, तूने 5 मर्डर कर दिए, तो वो मान लिया और 5 मर्डर करके केस में अंदर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कानून के मुताबिक सजा तो तब होगी ना मोनू, जब जांच में शामिल होगा कोई। इतने दिनों से तो आप फरार चल रहे हैं, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले दिनों में मोनू मानेसर जांच में शामिल होने के लिए पुलिस के पास जाएगा? बिल्कुल 101% पुलिस के पास, मैं अपने वकील से कल ही बात कर लूंगा, और राजस्थान में भी, और जहां भी हरियाणा में जहां भी मेरा नाम वाम लिया जा रहा है वहां मैं चला जाऊंगा, और मेरे पास सारे सबूत है, सारी चीजें, कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहूंगा भाई दोषी पाया जाता हूं तो हवालात खोल दो, अंदर हूं, और दोषी नहीं पाया जाता तो ये क्लीन चिट दो। ये मेरे को डेली डेली ये कोई वांटेड बता रहा है, कोई डकैत बता रहा है, कोई ये पार्टीबाजी कर रहे हैं, बताओ राजनीति कर रहे हैं, गाय पे राजनीति कर रहे हैं सभी।
कोई मतलब ये हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है तो कोई इनपे उंगली उठा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है ना कि बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे। अरे दोषी पाया जाऊंगा जब ही तो करेंगे। राजस्थान पुलिस ऐसी कायर नहीं है, राजस्थान पुलिस ग्रेट पुलिस है, हरियाणा पुलिस ग्रेट पुलिस है, वो दोषी को नहीं छोड़ेंगे किसी को भी। लेकिन एक मोनू मानेसर वो भी तो जांच कर रहे हैं, जांच में पाया जाता हूं तो कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को पकड़ लेंगे, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन सब झूठ, एक अफवाह उड़ा रखी, एक मोनू मानेसर ही हो गया पूरे देश में जो कुछ है, मतलब आतंकवादी विलन एक मोनू मानेसर है, जो कुछ करा रहा। दिल्ली में भी दंगे मैंने करा दिए होंगे, जहां भी दंगे हो रहे मैंने करा दिए होंगे, जहां भी हो रहे हैं। साले दंगे करते हैं खुद, पत्थर मारते हैं खुद, हमारे पुलिसकर्मियों को गोली मारते हैं खुद, और यहाँ पे हमारे मतलब जितने भी बहन बेटियों को वहां पे मंदिर में कैद किया, ये करते हैं खुद। और नाम किसका? सनातन धर्म, हिंदू धर्म वालों का, बजरंग दल का और गोरक्षा दल का। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब ये कुछ करते रहे यार, हम सुनते रहे। सच्चाई की जीत है, सच्चाई है तो हम पाए जाएंगे, और झूठ है तो फिर झूठ ही है जी। जैसा आप दावा कर रहे हैं, कुछ बस चंद सवाल हैं आखिरी ये। जैसा आप दावा कर रहे हैं कि आप निर्दोष हैं, नासिर और जुनैद की हत्याकांड में कहीं भी आपका दूर दूर तक कोई संलिप्तता नहीं है, तो अगर पुलिस आपको क्लीन चिट दे देती है इस पूरे मामले में, तो क्या आप भविष्य में भी गौरक्षक का काम जारी रखेंगे? क्या मेवात में अगर गौ तस्करी होती है, गौ कश्ती होती है, तो क्या आप मेवात जाएंगे क्लीन चिट मिलने के बाद में? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मेरा सवाल है। बिल्कुल, गो रक्षा हम करते रहेंगे, अपने सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं एक वीडियो में, जितने भी मतलब मुस्लिम भी इन वीडियो को देखते हैं आपके, अधिकतर मैं देखता हूँ, सारे कमेंट वही शुभचिंतक करते हैं, तो मैं उनसे सबसे आह्वान करता हूँ अपने गाँव में और यहाँ पे जितने भी है, गो हत्या बंद करनी छोड़ दे किसी के धर्म पे। तुमने मुहर्रम का जुलूस निकाला, किसी हिंदू ने पत्थर फेंका क्या? कभी नहीं फेंकते। लेकिन इन्होंने पत्थर नहीं, पता क्यों फेंकते हैं ये? हमें तो इनकी बात ही समझ में नहीं आई, इनका मामला ही समझ में नहीं आया आज तक। इनका मामला है क्या? और कुछ लेना देना नहीं है इनका, कोई मामला नहीं है ये। तो आने वाले कुछ दिनों में क्या आप फिर सरेंडर करने वाले हैं राजस्थान पुलिस को? बिल्कुल 101% मैं राजस्थान पुलिस के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा मैं दोषी हूं तो मुझे हवालात में दिया जाए, नहीं तो मेरे को क्लीन चिट दी जाए, बहुत हो गया। क्योंकि मैं जितने भी ये छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, इनसे बड़ा परेशान हूं, इनके पल्ले कुछ है नहीं, 10 लाइक आते नहीं है, बन गए यूट्यूबर। कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई फांसी पे लटका रहा है, कोई फराई कर रहा है मेरे को, लेकिन इनको ये नहीं पता कि दिक्कत हो जाएगी झूठ पे। तो मोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, समय दिया और अपनी बातें रखी, और वो सब चीजें भी आपने कही कि जांच होनी चाहिए, जांच के दायरे में जो भी सजा होगी वो आपको कबूल होगी और आप सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है और जांच में आप दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो आपको क्लीन चिट भी दी जानी चाहिए ताकि आप आगे अपने परिवार के पास भी जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और हम यही बिल्कुल अपील करते हैं आपकी तरफ से भी भविष्य में भी कोई किसी प्रकार की अफवाह या किसी प्रकार का कोई प्रोवोकेशन तो मोनू मानेसर की बात को आपने सुना। जिस शख्स पर आरोप लग रहा है कि इसी शख्स ने दंगे भड़काए, अब मोनू मानेसर ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि मोनू मानेसर ने यह कहा कि उनके किसी पोस्ट की वजह से कोई भी वहां पर हिंसा नहीं भड़की है, नासिर और जुनैद की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा कि गौ तस्करों को वो पकड़वाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मोनू मानेसर का कहना है कि उसकी पोस्ट में कोई भी भड़काऊ बात नहीं थी, किसी भी समुदाय के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा, मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हिंसा के पीछे प्री प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी, एकाएक हमला नहीं था। पुलिस की जांच में भी ये खुलासा हुआ है।